नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है और आज मैं खाने में बना रही हूँ सांभर चावल और इडली। तो आप सोचेंगे ये क्या कॉम्बिनेशन है। तो सांभर चावल हस्बैंड का फेवरेट है, वो खाएँगे। बाकी हम लोग खाएँगे इडली और सांभर, सुबह का नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद दोपहर में सांभर चावल खाएँगे। तो आज का खाना बस यही है, सिंपल सा खाना मैं बना रही हूँ। हस्बैंड की फरमाइश पे खाना बन रहा है। हस्बैंड ने शाम को बोला कि सांभर चावल कल बनाना, क्योंकि मुझे सांभर चावल खाना है। हमके ठीक है। तो मैं सांभर कैसे बनाती हूँ फ्रेंड, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी चलिए शेयर कर देती हूँ। आप मेरे तरीके से भी एक बार बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती भी हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें डाला सरसों का तेल, फिर उसके बाद मैंने डाल दिया कटा हुआ प्याज और बाकी की सारी सब्जी मैंने इसमें डाल दिया एक एक करके। और सब्जी में आप अपने पसंद से जो आपको पसंद हो सांभर में खाना हो आप डाल सकते हो। मैंने इसमें डाला है पेठा और ड्रमस्टिक, टमाटर और ये अरहर की दाल तो मैंने पहले ही भिगो रखा था, तो अरहर का दाल डाल दी। फिर उसके बाद मैंने डाला इसमें सांभर मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और मैं इसमें इमली भी डालती हूँ। उस इमली डालने से ना सांभर का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो आप भी इमली एक बार डाल के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर इस सब डालने के बाद ना मैं लगा लेती हूँ खूब सारी सीटी, जब तक कि सब्जी एकदम अच्छे से गल ना जाए। मीडियम आँच पर लगा लिया सीटी, देखिए सांभर बन गया है। तो अब इसमें मैं लगा रही हूँ छौंक। छौंक लगाते समय मैं इसमें ना जब तड़का लगाती हूँ तो डालती हूँ राई, करी पत्ता और जीरा, हींग, बाकी फिर थोड़ा सा सांभर मसाला डाल देती हूँ। इतना सब कुछ डालने के बाद मैं लगा लेती हूँ तड़का। और हाँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालती हूँ, उससे क्या होता है ना कि एकदम अच्छा वाला कलर आ जाता है इसमें। तीखा वाला मिर्च पाउडर आप चाहें तो डाल सकते हो। हस्बैंड नहा धो के आ गए हैं किचन में, बोल रहे हैं कि खाना निकालो, मुझे लेट हो रहा है। तो वही उन आए थे देखने के लिए कि खाना बना या नहीं, तो खाना तो बन चुका है। तो सांभर चावल उनके लिए निकालूंगी, अपना खाएंगे और ऑफिस जाएंगे। और इधर मेरा इडली भी बन गया साथ साथ। और इडली मैंने आज सूजी का बनाया है, ज़्यादातर तो मैं सूजी का ही अभी इडली बनाने लगी हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बन जाता है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, इसलिए मैं सूजी का ही बना लेती हूँ। तो इधर देखिए मेरा सांभर बन गया है, कितना अच्छा सा कलर आया है ना। इसी तरीके से आप भी बना के देखना फ्रेंड। और इडली भी मैं बना ली हूँ, तो इडली देखिए कितना जालीदार और स्पॉन्जी बना है। पूरी इडली मेरी एकदम फट गई है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो टाइम मैं बोलूँ तो 8:30-9:30 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा खाना भी बस बना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोना है और झाड़ू पोछा करना है, सारा काम बाकी है। परी नहा ली है, उधर देखिए इतना सारा बर्तन अभी धोऊंगी। और आज खाने में बनाई हूँ सांभर चावल, तो मैंने सोचा चलो सांभर चावल बना ही रही हूँ तो बना लेती हूँ इडली। तो बच्चे लोगों को इडली खाना बहुत पसंद है, तो इडली बना ली। सुबह सुबह इन लोगों का नाश्ता हो जाएगा, नहीं तो सुबह सुबह सांभर चावल कहाँ खाया जाएगा। ये हस्बैंड की फरमाइश पे बनाई हुआ है सांभर चावल, उनको सांभर बहुत ज़्यादा ही पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो हर चीज़ अच्छा लगता है। तो अभी दिन की शुरुआत हो गई है, काम की शुरुआत हो गई है। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन धोऊंगी, फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा एक कप चाय बना के पीऊँगी, फिर उसके बाद काम करूँगी। परी तो नहा ली है, हस्बैंड नहा धो के गए ऑफिस टिफिन उफिन लेके, और मैं बैठी कहाँ हूँ फ्रेंड दिखाऊँ? मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। बोल रहे थे कि ऊपरी खरीद के लाएंगे, तो छत पे ही ना बाटी चोखा बनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, देखते हैं कितना बन पाता है कितना नहीं बन पाता है। क्योंकि बाटी चोखा तो हस्बैंड गाँव जाते हैं ससुराल, मतलब मेरे मम्मी के घर जाएंगे तो भी बनवाते हैं, और अपने घर जाएंगे मेरे ससुराल मतलब जाते हैं गाँव तो वहाँ पे भी बनवाते हैं। एक दिन बाटी चोखा जरूर बनवाएंगे, एक दिन के लिए जाए चाहे दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए, जब भी जाएंगे बाटी चोखा वो जरूर से बनवाते हैं, कुछ बनवाए या ना बनवाए, क्योंकि उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैंने बोला कि बैंगन लेते हुए आइएगा, बड़ा वाला बैंगन तो है, छोटे छोटे हैं लेकिन अच्छे वाले नहीं है, भूनने वाला नहीं है।
कल मैं भुनी थी बैगन का भरता बनाना था, भुनी चार बैगन, उसमें तीन सड़ा निकल गया बेकार, एक तो बस अच्छा निकला, फिर भी मैंने बनाया शाम को बैगन का भरता और रोटी। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। घर का सारा काम निपटा के फ्रेंड मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर में। तो ये दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी मैं नहा वाली हूँ। नहाने के बाद मैं आई सीधे बेडरूम में, तो परी पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने बोला परी थोड़ा सा मेरा कंघी कर दो, क्योंकि मुझे आलस आ रहा है कंघी करने में। कभी कभी होता है ना कि मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का, और मौसम भी इस तरीके का हो रखा है ना कि अभी तो और ज़्यादा आलस आ रहा है, एकदम रूखा रूखा वाला मौसम अजीबो गरीब हो रखा है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम बेकार सा मौसम हो रखा है। तो वही परी बोली कि अच्छा दो मम्मा मैं करती हूँ, उसको करने भी नहीं आ रहा था, खूब खींच रही थी बाल और बहुत दर्द हो रहा था। तो वही मैंने उसको बोला कि धीरे धीरे करो परी, तो करे और आगे आप बैठो। और इधर मैं नहावा के आई ना, तो लगा रही हूँ नारियल का तेल, और देखिए कब से जिद कर रही है ना कि मम्मा मुझे ना आपको लगाना है वो क्या बोलते हैं उसको नेल पेंट, मैं आपको नेल पेंट आज लगाऊंगी और अपने पसंद से। तो ग्रीन कलर निकाल के लाई है फ्रिज में से, वही जिद कर रही है कि मम्मा दो मैं लगा दूँ। हम कहे चलो लगा दो, फिर उसका इतना मन है ही तो मैं लगवा ही लेती हूँ, क्या मना क्या करना। वैसे भी नेल पेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, अभी लगाना छूट गया है। शादी के पहले तो मैं नाखून बड़ा करके रखती थी ना, तो मैं आए दिन अच्छे अच्छे वाले कलर लगाती थी, सारे शौक ही ख़त्म हो गए शादी के बाद। बर्तन दिन भर धुलना रहता है, नाखून कहाँ बढ़ा रही हूँ। तो शादी के पहले की बता रही हूँ, मैं नाखून बढ़ा के रखती थी, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था हाथ में। अभी तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलता है, नेल पेंट पे कहाँ ध्यान जा रहा है। कहीं जाना होना होता है या शादी वगैरह कुछ फंक्शन रहता है तभी लगा पाती हूँ, नहीं तो वैसे डेली वेयर में नहीं लगा पाती हूँ मैं। दोपहर में ही थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, बाकी जो जैसे कि कुछ सिलाई उलाई करना होता है या कुछ वैसे ही फुर्सत वाला काम करना होता है तो कर लेती हूँ। पर मुझे नेल पेंट ना बहुत गंदे तरीके से लगा रही है फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ, एकदम नाखून के अलावा भी ये जो स्किन होता है ना उस पर भी लगा दे रही। तो मैं गुस्सा कर रही हूँ कैसे नेल पेंट लगाते हैं, तो कह रही है कि मैं कौन सा रोज लगाती हूँ मम्मा, मुझे कहाँ से आएगा, धीरे धीरे लगाऊंगी ना तो सीख जाऊंगी। हम कहे चलो फिर ठीक है लगाओ। तो तब तक मैं नेल पेंट लगवा ही रही थी कि फ़ोन आ गया, मेरी एक फ्रेंड है उसका फ़ोन आ गया, तो मैं उससे बातें भी कर रही हूँ और नेल पेंट भी लगवा रही हूँ। इधर बाबू कर रहा है पढ़ाई, अभी तो बच्चों की पड़ गई है छुट्टी तो थोड़ा फुर्सत है, टिफिन उफिन से ड्रेस रोज का धोना, स्कूल छोड़ना ले आना, इन सब कामों से तो फुर्सत है अभी। तो अभी मैं मिल रही हूँ फ्रेंड आपसे शाम को, शाम का टाइम हो रहा है और हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं। तो इधर मैं ना एक गिलास के लगभग, थोड़ा सही एक गिलास पूरा नहीं था, आधी गिलास के लगभग दूध बचा हुआ था छोटे गिलास का, तो मैंने उसको गर्म किया फिर छान के बच्चे लोगों को दे रही थी, तो बाबू को दे रही थी तो मना कर दिया, तो हम कहें कि कॉफ़ी पी लो लोग फिर, तो उसमें चीनी थोड़ा सा मिला के और कॉफ़ी मिला के दे दूँगी, दोनों लोग पी लेंगे, नहीं तो फिर वो ख़राब ही होगा, शाम तक पड़ा ही रह जाएगा, इसी बहाने कम से कम पी लेंगे। और बाबू मुझे 2-3 दिन से कॉफ़ी मांग भी रहा है कि मामा मुझे कॉफ़ी पीना है, मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, आप बना के नहीं देती हो, ऐसे बोल रहा है। तो हम कहे चलो इसी बहाने बना भी देती हूँ और पी भी लेगा। तो हस्बैंड लेके आए शाम को पनीर, बोल रहे थे कि पनीर की सब्जी आज मैं बनाऊंगा, वो भी ग्रेवी वाली। हम कहे ठीक है मैं काट के दे, तो उसी की तैयारी में लगी हूँ फ्रेंड। अभी प्याज काटूंगी, टमाटर, धनिया, मिर्च सब कुछ काट के फिर तैयार कर लूँगी, फिर बनाऊँगी सब्जी। इधर परी कर रही है पढ़ाई, हस्बैंड अपना कुछ बुक पढ़ रहे हैं और अभी अभी आए हैं तुरंत ही। इधर मैं सब्जी काट रही हूँ ना, तो बाबू भी मेरे साथ बैठा है और कह रहा है मम्मा सब्जी जो आप प्याज व्याज काट रही हो ना चॉपर में चॉप करोगी, तो मैं करूँगा, आप नहीं करना ये मुझे दो करने के लिए। हम कहीं नहीं हो पाएगा बाबू, नहीं कर पाओगे। मैं चॉप करने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने प्याज भर दिया है, थोड़ा थोड़ा दो बार में करूँगी ना तो हो जाएगा, तो अभी किचन में जाके करूँगी। और इधर मैं टमाटर काट रही हूँ। कढ़ाई पनीर कैसे बनाती हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों के साथ ना रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो फ्रेंड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। तो अभी मैं सारी सब्जियों को लेके आ गई हूँ किचन में। अब देखिए कितना सारा मैंने प्याज इसमें भर दिया था, इसीलिए नहीं चॉप हो रहा था। जब मैं दो बार में की हूँ ना तब जाके हुआ है चॉप। पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी ना हस्बैंड बनाते हैं, बाकी सूखी सब्जी मैं बनाती हूँ, जैसे चिल्ली पनीर हो गया, कढ़ाई पनीर और पनीर भुर्जी, तो ये सब चीज़ें तो मैं बनाती हूँ। बाकी जो मटर पनीर हो गया और फिर उसके बाद पनीर वाली सिर्फ ग्रेवी वाली सब्जी हो गई, तो ये हस्बैंड बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ।
और मुझे प्याज काटने में इतना लग रहा था फ्रेंड कि पूछिए मत, प्याज बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है आँख में, मैं परेशान हो जाती हूँ। और मेरी सासू माँ जब रहती है ना तो मैं उनसे कटवाती हूँ, मैं नहीं काटती हूँ। इसके पहले भी मैंने एक ब्लॉग में बताया है कि वो रहती है ना तो मैं उनको बोलती हूँ कि प्याज काट दीजिए, काट भी देती थी। हस्बैंड अपना सब्जी बनाने में लग गए हैं, मैं उनको सारी चीज़ें इकट्ठा करके दे रही हूँ कि आपको कुछ लेना नहीं पड़ेगा, मैं सब कुछ ऐसे ही काट पीट के दे देती हूँ तब जाके वो बनाते हैं। और इधर मैं जीरा पानी उबाली थी तो वही बाबू को दे रही हूँ पीने के लिए कि बाबू पी लो, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने अपनी दीदी को बताया तो बोली ना कि जीरा का पानी उबाल के इसको दे दो पीने के लिए, उससे आराम होगा। तो सच में उससे बहुत आराम हो गया, कल भी मैंने दिया था और आज भी मैं दे दी उसको एक बार। तो पनीर की सब्जी कैसे बनाते हैं हस्बैंड, मैं आपको रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। फ्रेंड सबसे पहले तो इन्होंने डाला तेल, सरसों के तेल में बनाते हैं हम सब्जी, तो इसमें डाल दिए तेजपत्ता, लाल मिर्च, साबुत, जीरा, हींग। फिर उसके बाद डाले हैं चॉप किया हुआ प्याज, अदरक और लहसुन, ये सब मैंने कट कर ही दिया था आपने देखा ही। फिर उसके बाद इसमें कुछ गर्म मसाला और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला और डाले हैं इसमें मीट मसाला। ये सब डालने के बाद इसको पानी डाल के खूब अच्छे से भून लेते हैं और इसमें आधा चम्मच डालते हैं चीनी, मैं तो नहीं डालती हूँ चीनी पर ये चीनी भी इसमें डालते हैं। खूब अच्छे से इसको भूनते हैं, बहुत देर तक लेकिन भूनते हैं इसको, और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी भी बनाते हैं। सब्जी उनके हाथ का बहुत अच्छा लगता है हमें खाना, हमारे घर में सभी लोगों को पसंद है उनके हाथ का खाना। तो इसी तरीके से भूनने के बाद उसमें डाल दिए टमाटर, टमाटर को भी खूब अच्छे से भूना। फिर इसमें डाल दिए पानी, पहले पनीर डाले, फिर उसको पनीर को भी एक दो मिनट तक भूनने के बाद पानी डाल के उसमें लगा दिए सीटी। तो सब्जी तो बन गया है, तो मैंने सोचा चलो जब तक सब्जी में से ना उसमें कुकर में से सीटी निकल रहा है तब तक मैं कपड़े में तह लगा लेती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि दिन में मैं कपड़े में तह लगाती, तो अभी मैं आ गई इधर और हस्बैंड उधर के ही कमरे में, सब लोग बच्चे लोग और हस्बैंड सब बाहर वाले कमरे में ही हैं। और मैं फटाफट से मैंने सोचा चलो एक काम यही निपटा लेती हूँ, आटा तो मैंने गूँथ लिया है, सिर्फ रोटी बनाना है। तो जब मुझे जैसे टाइम मिलता वैसे काम अपना मैनेज करती हूँ फ्रेंड, क्या करूँ अकेले हूँ ना और दो दो बच्चे हैं तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा, और हस्बैंड भी रहते हैं तो उनका टिफ़िन खाना पीना सब कुछ मुझे ही देखना होता है। तो काम से फुर्सत नहीं है, काम जब मुझे टाइम मिलता है तभी सब सारा काम मैं निपटा लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई रूटीन हो, मतलब देखिए तो डेली का क्या होता है कि डेली का रूटीन हमारा थोड़ा सा इधर उधर तो रहता ही है, डेली डेली एक जैसे रूटीन नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो चेंज होते ही रहते हैं। तो ऐसे ही मैं भी सारा कपड़ा तह लगा ली, अब जा रही हूँ बनाऊँगी रोटी, फिर सब लोग खाना खाएँगे। और थोड़ा सा कपड़ा मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, सूखा ही नहीं था, तो अभी याद आया तो मैं ले आई अंदर, अभी सूख भी गया है तो इसको भी लगा देती हूँ तह। और हमारे कॉलोनी में फ्रेंड ना इतने कुत्ते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, देखिए कितना भौंक रहे हैं। जब भी दिन में वॉइस ओवर करती हूँ ना तब ऐसे ही आवाज़ आती है, यही कारण है कि मैं हमेशा रात में करती हूँ। इधर मेरी रोटी भी बन गई, तो बच्चे लोगों का खाना मैं निकाल दी हूँ, अभी दे देती हूँ, ये लोग खाएंगे। और हस्बैंड पहले से ही बैठे हुए हैं खाने के लिए क्योंकि उनको लगी थी भूख, ये लोग खा रहे होते हैं तभी मैं भी अपना खाना लेके आती हूँ, साथ में ही खाते हैं देखा जाए तो। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड, अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।